लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2018 के सत्र सेक्सिज्म इन सिनेमा टाइम टू अर्न पेट्रियार्की के दौरान कन्नड़ एक्ट्रेस ने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच से जुड़ा अपना अनुभव शेयर किया है। एक्ट्रेस ने आज भी इंडस्ट्री का काला सच भूल नहीं पाई हूँ। श्रुति ने बताया कि मेरी पहली फिल्म का अनुभव काफी भयानक था, जिसकी वजह से मुझे फिल्म छोड़नी पड़ी। एक्ट्रेस उस वक्त 18 साल की थी जब वे कोरियोग्राफर के पास गई और कहा कि वे सब नहीं कर सकती जो उनसे कहा जा रहा है। इसके बाद कोरियोग्राफर ने कहा कि यदि ये सब हैंडल नहीं कर सकती तो यहाँ से निकल जाओ। ये सब सुनकर वो रोने लगी और डर गई। बाद में उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। श्रुति ने कास्टिंग काउच का एक अनुभव सुनाते हुए कहा, एक तमिल फिल्मकार मेरी ही कन्नड़ फिल्म का रीमेक बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझे ही इसके लिए साइन किया। टेलीफोन पर उन्होंने मेरे सामने अजीब शर्त रखी। प्रोड्यूसर ने फिल्म देने के लिए कहा कि फिल्म में 5 प्रोड्यूसर हैं और वे किसी भी तरह से मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। श्रुति ने कहा कि महिलाओं का चुप रहना अब कोई विकल्प नहीं है। पब्लिक स्पेस महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि समाज पूरी तरह से पुरुष प्रधान है, लेकिन फिल्मों में महिलाओं की मौजूदगी से उम्मीद की जा सकती है कि महिलाएं पब्लिक स्पेस में अपने लिए जगह बना रही हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि अक्सर फिल्मों में एक्ट्रेस को कमोडिटी की तरह पेश किया जाता है, जिसमें वो खूबसूरत सेक्सी लगे, जिससे फिल्म चलने की संभावना बढ़ जाए। श्रुति ने कहा, कास्टिंग काउच जैसी चीजों को ना कहकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए सिर्फ मर्द को दोष देना सही नहीं है। कास्टिंग काउच से आप एंट्री पा जरूर सकते हैं, लेकिन सफल नहीं हो सकते।